दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण मंगलवार से दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी के छात्रों के सपोर्ट में उतरकर चर्चा में है। दीपिका जेएनयू छात्रों का सपोर्ट करते हुए वहां हो रहे प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी। दीपिका पादुकोण के इस रुख ने सोशल मीडिया को दो ग्रुप्स में बांट दिया है। कुछ सेलेब्स का दीपिका के जेएनयू जाने पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने दीपिका के इस कदम की तारीफ की है। इस फेहरिस्त में सबसे पहले डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम है। उन्होंने दीपिका के सपोर्ट में ट्वीट कर लिखा कि किसी भी प्रजाति में फीमेल हमेशा से ही ताकतवर थी, है और रहेंगी। छपा का पहला दिन सारे शो वो सभी लोग हिंसा के खिलाफ खड़े हैं, उन्हें बुक माई शो पर जाना चाहिए और इन लोगों को दिखा देना चाहिए। एक साइलेंट बयान देने का समय आ गया है जो सबसे ज्यादा मारक साबित होगा। अनुराग ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि ये नहीं भूलना चाहिए कि दीपिका इस फिल्म की प्रोड्यूसर्स में से भी हैं। उन्होंने ज्यादा रिस्क उठाया है, मेरे दिल में दीपिका के लिए बेहद इज्जत है। फिल्म मेकर अनुभव सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि महिलाएं सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, दीपिका के लिए सम्मान। बता दें कि स्वरा भास्कर ने भी दीपिका पादुकोण की तारीफ करते हुए लिखा है कि गुड ऑन यू दीपिका पादुकोण। वहीं छपाक में दीपिका पादुकोण के को स्टार विक्रांत मैसी ने भी एक्ट्रेस के इस कदम की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि स्वेल्स विद प्राइड। एक्ट्रेस ऋचा चड्डा ने लिखा कि ब्रावा दीपिका पादुकोण। बता दें कि सिंगर विशाल डरलानी ने दीपिका का पूरा समर्थन करते हुए उनके इस कदम को साहसी बताया है। उन्होंने लिखा, दीपिका का ऐसी हिम्मत दिखाने के लिए शुक्रिया। ऐसा काम बॉलीवुड के बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। जो लोग छपाक को डाउन ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले ही हार चुके हैं। आपकी घृणा बहादुर महिलाओं को रोक नहीं सकती है। फिल्म मेकर निखिल अडवाणी ने भी लिखा कि बतौर निर्माता आज दीपिका पादुकोण को मुंबई में प्रीव्यू थिएटर्स में होना था, लेकिन इसके बजाय दीपिका ने जेएनयू स्टूडेंट्स के साथ एकजुटता में खड़े होने का फैसला किया।